एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम राहु ग्रह के बारे में आपको जानकारियां दे रहे हैं। राहु ग्रह जैसा सबको मालूम है, एक छाया ग्रह है। इसके साथ में कल्पनाएं जुड़ी हुई है, विचार जुड़े हुए हैं और इनका एक कारक ग्रह है। ये ग्रह जिसका विशेष प्रभाव रहता है, जीभ के ऊपर रहता है, नाक कान मस्तिष्क पे इसका पूर्ण प्रभाव रहता है। राहु ग्रह रूप बदलता रहता है। इसका रूप बदलने के कारण इसका प्रभाव फिल्म इंडस्ट्री में, राजनीति में बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि फिल्म उद्योग में और राजनीति में जातक अपना चोला बार बार बदलता रहता है। इसलिए राहु का प्रभाव फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति में विशेष होता है। चेहरे के भाव पर भी इस ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। वाणी पर इसका विशेष प्रभाव रहता है। इसमें संगीत, गायन, वादन के क्षेत्रों में इसका विशेष प्रभाव रहता है। ट्रांसपोर्ट, परिवहन आदि में भी राहु का प्रभाव रहता है। रेल विभाग, डाक विभाग, वायु सेवा, बस सेवा, दूरदर्शन में राहु का विशेष प्रभाव रहता है। राहु के बारे में मिथुन राशि में यह उच्च राशि का होता था, धनु में यह नीच का होता है, कन्या राशि में सोगरी माना जाता है। राहु जो है असामाजिक गतिविधियों का में भी काम करता है। ब्लैकमेलिंग आदि भी राहु के उसमें कर्म क्षेत्र में आता है। राहु का प्रभाव हवाई यात्रा, विदेश भ्रमण आदि में प्रबलता से होता है। चित्रकारी, फोटोग्राफी, बिजली आदि के कार्य में भी राहु के विशेष प्रभाव रहता है। राहु की जो दशा आती है वो 18 वर्ष की होती है। जो अचानक घटनाएं होती हैं, अफवाहें फैलती हैं, सनसनी पैदा करने वाली कार्य में भी राहु का विशेष योगदान रहता है। तूफान, युद्ध, दहशत आदि भी राहु से ही संचालित होते हैं। इस तरह देखा कि ये योगाभ्यास, ध्यान, कलात्मक कार्य को भी संचालित करता है। तो राहु के जो आपने देखा कि किस तरह से राहु राजनीति, फिल्म उद्योग, पर्यटन आदि में अपना विशेष महत्व दिखाता है, इस तरह कुंडली में राहु का विश्लेषण जब हम करते हैं तो उपरोक्त उसके जो कारक तत्व हैं उनका विशेष ध्यान रख के उसका फल आदेश करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल चौरे, इनकी वेबसाइट है hchaure.blogspot.in, जीमेल एड्रेस hausi.chaure@gmail.com, मोबाइल नंबर 9893234। मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों को बताइए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।